देश में इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी की मार से आम आदमी बेहाल है आम आदमी की थाली दिन पर दिन छोटी होती जा रही है देश का आम नागरिक दो जून की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करता है लेकिन हर रोज बढ़ती महंगाई उसकी जेब पर डाका डाल रही है तो वहीं महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी लोगों का हाल बेहाल कर रखा है कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष महंगाई बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछता रहता है इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं तो क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखिए इस रिपोर्ट में 2014 में जब पीएम मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हर साल देश में दो करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी भी अपनी हर रैली में रोजगार देने का दावा कर रहे थे लेकिन 2014 में सरकार बनने और मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी इस वायदे को पूरा नहीं कर पाई मोदी सरकार का कोई भी नुमाइंदा बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है और चुनावी साल में मोदी युवाओं को दो करोड़ की जगह महज कुछ हजार नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं को भरमाने का काम करते रहे हैं इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा की बेरोजगारी ही देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है 15 से 29 वर्ष आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत है ग्रामीण आठ दशमलव तीन प्रतिशत शहरी तेरह दशमलव आठ प्रतिशत देश का युवा पूछ रहा है सालाना दो करोड़ नौकरियां कहां गई भर्ती परीक्षाओं से नौकरी मिलने तक का सफर इतना जटिल क्यों हो गया है एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद कर, कर करोड़ों युवाओं की नौकरियां छेन उनका भविष्य क्यों उजाड़ा गया खड़गे के इन आरोपों से बीजेपी में खलबली मच गई है चुनावी साल में पीएम मोदी अपनी छवि चमकाने में लगे हैं तो विपक्ष लगातार सच को सामने लाकर बीजेपी की पोल खोल रहा है अब देखना होगा कि खड़गे के इन आरोपों पर पीएम मोदी और बीजेपी नेता क्या कहते हैं डीवी लाइव की रिपोर्ट